Hey guys, welcome to the channel. I'm Jay, that random girl. So if you're seeing this face for the first time, do subscribe my channel. तो आज करने वाला थोड़ी organizing video क्योंकि मैं अपना wardrobe काफी time से organize करने की सोच रही थी और मैं इतना fast इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक आइसक्रीम वाले भैया बहुत irritated कर रहे हैं और मेरे hair भी आप लोगों का बहुत रो दिख रहे होंगे रो क्योंकि मैंने आज स्ट्रेटनिंग नहीं की है बट मैं आई थिंक 1.5 वीक में अपने जो है हेयर स्ट्रेट करती रहती हूँ क्योंकि मुझे अपने हेयर बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं लगते हैं और या दैट्स द थिंग और अभी हम स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनाइजिंग वीडियो तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और करते हैं आज ऑर्गेनाइज क्योंकि यार विंटर्स भी चले गए हैं तो विंटर के क्लोथ्स भी भरे हुए हैं मेरे शूज के अलमीरा में तो वो भी मुझे ठीक करना है सो यस चलो शुरू करते हैं गाइज अब जैसे कि आप लोगों को इंट्रो मिल चुका है तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी अलमीरा तो चलो दिखा रहा है 7:38 इन द इवनिंग 28 मार्च है तो ये है मेरी अलमीरा का स्टेटस यू गाइज सी यहाँ पे मेरे सारे नीचे ट्रेडिशनल क्लोथ्स है जितनी भी हैं और यहाँ पे सारे मेरे टॉप्स हैं सारे के सारे कलरफुल यू कैन सी हेयर इज़ द ब्लैक एक वाइट सेक्शन था बट वो गायब गुम हो गया यू गाइज सी वहाँ सब जगह हो गया वो सो गाइज हेयर इज सम माई ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड हेयर इज सम ऑफ माई लाइक टॉप्स हेयर इज ब्लैक सेक्शन एक वाइट सेक्शन भी बनाया था मैंने बट वो अब गायब है क्योंकि वो पता नहीं कहाँ चला गया है बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे स्वेटर है एक मतलब कहीं भी कुछ भी है अभी तुम लोग देखना बस यहाँ पे ऊपर आओगे ना तो ऊपर आते यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी स्वेट शर्ट्स दिख रही है राइट साइड फ्लेमिंगो स्वेट शर्ट्स है यहाँ पे भी एक स्वेटर है यहाँ पे स्वेटर मतलब मिक्स कॉन्टेंट है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है बट यहाँ पे मेरी जो स्कर्ट्स है सारी की सारी स्कर्ट्स है और पीछे भी एक स्कर्ट का पूरा पाइल है बिकॉज आई लव वेयरिंग स्कर्ट्स क्योंकि स्किन सी आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे ये सारी स्कर्ट्स और ये सारी विंटर जैकेट्स है सारी सारी इधर मेरी सारी पैंट्स है उधर विंटर के क्लोथ्स है ऊपर भी लाइक वाइट कलर का फर जैकेट जो बहुत ट्रेंडी था इंस्टाग्राम पे हेयर इज सम ऑफ माई मोर जैकेट्स लाइक कार्डिगन जैकेट्स एंड एवरीथिंग और यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम चीज़ रखे हुए जैसे ये बीनी और ये एक मतलब कैप है ये कैप मैंने ली थी विलन स्काइड से येलो वाली और ये है बैग हेयर इज अम्ब्रेला एंड सम बेल्ट और सम थिंग्स एंड टाइन ऑल और यहाँ पे भी ये जो ड्रेस है ये बहुत ट्रेंडी है इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल आपने देखी होगी तो ये मैंने इसको फोल्ड करके नहीं रख सकती मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है और यहाँ पे मेरा कैमरे का लेंस का बॉक्स रखा है और कुछ नहीं है हेयर इट इज़ तो अभी हम शुरू करेंगे इतना ही नहीं आप लोग देख लो यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं वाई स्किन सी यहाँ पे मेरा सारा मेकअप का सामान है वहाँ पे चप्पल है बाकी यहाँ पे सारा सामान है साइज अब हम शुरू करते हैं इस पहाड़ को निकाल लेंगे फिर हम सारे विंटर की चीज़ें डालने वाले बेड में तो वो अलग करके रखेंगे और आज हमारी आज की कैमरामैन कौन है आओ मम्मी आओ मम्मी ले गए पानी क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है तो आज की कैमरामैन है हमारी माता जी वो हमारा वीडियो शूट करेंगी और आप लोग देखते रहिए बने रहिए और ये भोपू वाले भैया आज जाएंगे नहीं लगता है मतलब जो आइसक्रीम वाले भी आज सारे आइसक्रीम बेच के जाएंगे तो चलो शुरू करते हैं अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज की क्लीनिंग और मेरी मम्मी है आज कैमरा मैन तो चलो करते हैं स्टार्ट सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ये जैकेट सेक्शन निकाल लेते हैं है ना मम्मी बोल सकती हूँ है ना यही करूँ ना बाकी मम्मी मुझे पता नहीं तुम ज़्यादा करते हो बताओ मेरे नहीं पता तुम्हें पता होगा जानकारी तुम्हें ज्यादा है साफ सफाई करके मुझे सफाई पसंद है मैं करता हूं करना पसंद है हां अच्छे से सफाई करती तो पहले हम नहीं बुराई भी कर सकते हो मैं नहीं करती तो झूठ बोल रही हूं नहीं मैं करती हूं है ना मम्मी करती है सफाई अच्छे से करती है तो अभी ये निकाल लेता सारी साइड गाइस यहाँ पे से सारी जैकेट मैंने निकाल दी है मेरी सारी जैकेट थी और एक ही लेदर जैकेट है जो सब सब एक्चुअली ये भी मेरी फेवरेट है मिली थी अजियो से बहुत फेवरेट सो यस ये रख दिया और अभी मैं दिखा रही हूँ आपको देखो मेरे पास 3 स्कर्ट्स हैं और पीछे की साइड में एक सेक्शन है तो मैं सोच रही हूँ जो वुलन वाली स्कर्ट है वो
निकाल दूंगी और बाकी जो मैं यूज़ करूँगी समर्स में वो मैं इसमें रखूँगी। और या बस इतना ही, अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ रखा है निकाल के सारे मेरे जैकेट्स। और भी जैकेट्स हैं वो ऊपर की साइड है, आप लोगों को मैंने दिखाया पहले, तो वो जैकेट्स भी हम निकाल के वहाँ रख देंगे। और चलो दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ पर कितना जैकेट वैकेट है। सो गाइज देखो, ये वाली जैकेट्स निकाल लेंगे अब हम, ये वाली, जस्ट ये वाली। एंड देन ये देखो यहाँ पे है जैकेट, और मैंने यहाँ पे लाइट्स लगा रखी है जिससे थोड़ा सा आप लोगों को सही से प्रीव्यू मिलता रहे। और ये देखो अभी वो भैया अभी तक नहीं गए हैं, वो आइसक्रीम वाले, बहुत देर हुई है। सो यहाँ पे सारी जैकेट मैंने रख दी है। यहाँ पे मेरे स्वेटर वैसे जो कि सारे H&M से हैं और ट्रिपल एस से हैं, और बस यहाँ पे है। और चलो शुरू करते हैं अब हमारा अगला स्टेप। बेड में रखने वाली हूँ क्योंकि ऑब्वियसली और कहीं जगह नहीं है, तो हम बेड में रखेंगे। और जितनी भी मैंने जैकेट्स आप लोगों को दिखाई जो नीचे रखी है वो भी बेड में रखेंगे हम। और ऊपर भी यहाँ पे बहुत सारी जैकेट्स हैं तो उनको भी निकाल लेंगे, विंटर्स की। तो बस विंटर्स की क्लोथ ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है शिमर के समर के क्लोथ बहुत सारे लेने पड़ेंगे। देखते हैं स्टे ट्यून्ड, अगर हम लेते हैं तो आप लोगों को हॉल मिल जाएगा। तो यस अभी इधर के हम सारी स्वेट शर्ट भी निकाल लेंगे जो कि गिर रही है। जितने भी मैंने क्लोथ्स है वो ऊपर से निकाल दिए हैं, वहाँ से भी निकाल दिए हैं, स्किन सी वहाँ से भी निकाल दिया है। इधर भी सारे कपड़े मैंने सारे विंटर के, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक भी चीज़ नहीं है। आई थिंक एक दो होगी तो मैं निकाल लूँगी, अभी मैं पूरा सेटअप करूँगी। यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे समर के क्लोथ्स है, एक दो होंगे जो विंटर के हैं, ज़्यादा नहीं है। नीचे ट्रेडिशनल क्लोथ है, मैं इसमें से सोच रही हूँ आधे जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं मैं ऊपर यहाँ रख दूँगी, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स बहुत कम पहनती हूँ। बट आजकल क्या है कि मैं रील्स वगैरह बना रही हूँ, तो यस उनको थोड़ा सा समझ के कहाँ क्या रखना है, तो मैं सोच रही हूँ विंटर यहाँ पर रख लूँ ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऊपर की साइड, और अभी थोड़ा सा वहाँ से कम कर लूँ, क्योंकि मुझे समर के क्लोथ ज़्यादा अच्छे होते हैं, अप्रोचेबल होते हैं, तो वो नीचे मैं रख सकती हूँ थोड़े से। और बाकी ये सारे समर के, मेरे ज़्यादा समर्स के क्लोथ है नहीं, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी घर पे आफ्टर लाइक मैं बाहर रहती थी, तो तब मैंने समर की शॉपिंग कम की थी और मतलब वीडियो शूट कम किए थे, तो विंटर्स के ज़्यादा किए थे, इसलिए विंटर के क्लोथ ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को। देखो यहाँ पे, सो यस चलो अब हम करते हैं स्टार्ट नीचे की सफाई करना यहाँ के जो भी क्लोथ्स हैं, और फिर उसके बाद हम ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हम ये लो ये सब अपने बेड में डाल देंगे, बाकी जो विंटर के क्लोथ्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस अभी अब हम लोग यहाँ का क्लीन करेंगे जो हमें नहीं चाहिए विंटर वाले। बस पहले मैं क्या कर रही हूँ कि पहले सारे डीप निकाल ले रही हूँ, निकाल रही हूँ कि मुझे सर जो विंटर में नहीं चाहिए, मतलब समर में नहीं चाहिए, वो सारे विंटर के क्लोथ्स निकाल रहे हैं अभी। उसके बाद हम सेटअप करेंगे, उसके बाद मैं ये सारे क्लोथ एक साथ विंटर के लास्ट में डाल दूँगी, क्योंकि मुझे डम नहीं कर रहा है इन सब चीज़ को नेक्स्ट ईयर के लिए।
सब कुछ हो गया है, ये पूरा सेटअप हो गया है अलमीरा, और अभी सारे विंटर के कपड़े हम लोगों को सारे रखने वाले हैं। उससे पहले मैंने एक घंटे का ब्रेक ले लिया था, क्योंकि एक घंटे का नहीं मतलब 45 मिनट्स का ब्रेक लिया होगा, और हमने मैंने चाउमिन खाई क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, मैं बहुत थक गई थी। तो हमने वो ब्रेक लेने के बाद अभी 11:30 बज रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं 11:24 हो रहे हैं, और अभी हम ये विंटर के कपड़े हटा देंगे और आप लोगों को पूरा दिखाएंगे कि कैसे मैंने क्या ऑर्गेनाइज किया है। फाइनली हमने ये अलमीरा सेट कर लिया, हमने क्या मैंने करी बहुत मेहनत से, पहली बार मम्मी ने मेरी थोड़ी सी हेल्प नहीं किया, मैंने मांगी नहीं कि मुझे चाहिए हेल्प, मैंने कहा मैं खुद ही करूँगी। सो यस, चलो हम दिखा देते हैं आपको कैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही सुंदर लग रही होगी आप लोगों को अलमीरा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें दिखाते हैं, यहाँ पे मैंने सारी साड़ी रखी है, ट्रेडिशनल सारे क्लोथ्स रखे हैं, यहाँ पे मेरे दोनों साइड दुपट्टे हैं, यहाँ पे मेरे ब्लाउज हैं, यहाँ पे मेरे सारी कुर्ती है जो मैं जीन्स वगैरह पे पहनूंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेरे सारे टॉप्स हैं जो कलर कोऑर्डिनेटेड है, और यहाँ पे जो आपको कम लग रहे हो क्योंकि ये मैंने शूट के लिए रखे हुए हैं अभी। ओके, तो ये सारे मेरे कलर कोऑर्डिनेटेड टॉप्स है, वाइट, ब्लैक, रेड, पर्पल, पिंक, स्काई ब्लू, और ये मेरे सारे घर के कपड़े हैं जो मैं घर में पहन सकती हूँ। आप लोगों को यहाँ से दिखेगा, कैसे दिखा रही हूँ मैं, यहाँ से दिखेगा, ये सारे मेरे घर के कपड़े हैं, ब्लैक, रेड, व्हाइट। ठीक है, अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर आइए। हाँ, तो ऊपर आने के बाद आप लोगों को दिखता है कि यहाँ पे भी कलर कोऑर्डिनेटेड है, यहाँ पे भी टॉप रखे हुए हैं ब्राउन, ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट, एंड यहाँ पे ऑरेंज, एंड देन येलो, ऐसे करके मैंने रखा है इनको। उसके बाद यहाँ पे मेरे थोड़े अमेजोन वाले टॉप्स है, तो वो भी कलर कोऑर्डिनेटेड है, पिंक, ब्लू एंड ऐसे करके। यहाँ पे मेरे सारे कॉर्ड सेट्स है जो मैंने रखे हैं, यहाँ पे एक जम सूट है और ऐसे एक कॉर्ड सेट टाइप की है। यहाँ सारी मेरी जैकेट है जो बहुत ईजीली निकाल सकते हो आप, कहीं मतलब जाना है कुछ पहनना है तुरंत मैच कर सकते हो। यहाँ पे सारी शर्ट्स है मेरी, और यहाँ पे सारे मेरे बॉटम्स, सारे के सारे जो भी हैं मेरे पास यही हैं, और थोड़े बढ़ गए हैं, जो कि मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि मेरे पास कुछ कलर भी हैं जो मैं समर में स्टाइल कर सकती हूँ। ओके, हम चलते हैं हम इधर। ओके, इधर सारी की सारी मेरी स्कर्ट्स है, सारी की सारी स्कर्ट्स जो मैंने यहाँ पीछे रख रखी है, इससे ईजिली मुझे मिल जाए, मुझे पता है कि मेरे सारे स्कर्ट्स यहाँ पे। ये यहाँ पे सारे फ्लोरल टॉप्स है, और यहाँ पे सारे मेरे पार्टी वेयर टॉप्स है। यहाँ मेरे सारे वन पीस है जो कलर कोऑर्डिनेटेड है, पिंक, ब्लैक, और यहाँ पे पहले एक एक्स्ट्रा रखा है, बाकी यहाँ पे सारे पर्पल, ब्लू एंड रेड एंड येलो ऐसे करके रखा हुआ है, थोड़े से गिर रहे हैं, सॉरी। और यस, दिस इज, और ये सारे मेरे नाइट वेयर है ना, यहाँ सारे नाइट वेयर, और मैंने कुछ नाइट वेयर यहाँ पे भी रख रखे हैं जो पीछे की साइड है, जो मैं मतलब क्या बोलते हैं कहीं बाहर वगैरह जाती हूँ या फिर मेरे को प्रॉपर वगैरह शूट वूट करना है, तो ये फुल बाजू के हैं बेसिकली, जो जिमामे से लिए मैंने, अगर उस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो बताना। ओके, तो यहाँ पे सारे हैं, यहाँ पे मेरे सारे ट्रेडिशनल लहंगे टाइप के हैं, ठीक है, जो बहुत लाइट वेटेड है जो मैं स्टाइल करूँ, क्योंकि हैवी वाले इतने मेरे रखे हुए बेड में, वो मैं इतना नहीं वेयर करती हूँ। और ये है यहाँ पे मेरे को स्टिच करना, यहाँ पे एक बैग रखा है जो मुझे ट्रैवल के लिए चाहिए। यहाँ पे सारे के सारे मेरी मतलब पैंट्स हैं, ट्रेडिशनल बॉटम्स, पैलर कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, वो है पटियाला सूट, हाँ पटियाला सूट नहीं, पटियाला पैंट्स, और यहाँ पे वो है, और यहाँ पे इधर प्लाजो है, स्कर्ट्स है, और यहाँ पे ट्रेडिशनल कुर्ती है। ये मेरी कुर्ती सेट्स है, मतलब सेट वाले, इन पे अगर आपको वीडियो चाहिए प्रॉपर, इन पे है वीडियो, शॉर्ट्स है, प्रॉपर रिव्यू वीडियो चाहिए और हॉल चाहिए तो बना लेंगे इस पे। यस, दैट्स इट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एस्थेटिकली रखा है पिंक कलर का, और यहाँ चंदन का ग्रीन कलर का बैग रखा हुआ है। So that's it, guys. That is the video. So if you like this video, don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe my channel and share this video as much as you can. और अभी हमने यहाँ जो चीज़ें थी वो भी मैंने क्लीन कर दी हैं, इतनी अच्छे से क्लीन नहीं किया, बट कपड़े वगैरह मैंने हटा दिए और कोई कपड़े यहाँ पे नहीं है, विंटर के कपड़े हमने बेड में डाल दिए। और यस, दैट इज़ द वीडियो, और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जाके जल्दी से, और जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे हमारे होते जल्दी से 5K सब्सक्राइबर्स। तो ये तब तक के लिए बाय।